सो चारे पास्यों शिकंजा कस के हुण तैयारी है। चार करेट आपस च बन्ने होए ने, दो दो दी धिर बना के ते आपस च चार करेट बन्ने ने। हुण तुहाडे सामने किस ढंग दे नाल इह पाणी दे विच सुट्टे जांदे उह वी तुसीं देखोगे। वेखो जी आ बलियां जड़ियां दित्तियां होईयां ने थले। श्री अकाल बोले सोनिहाल बलिया नू पाओ हाथ। बुलबुले तुसीं देखदे पए हो उत्थे जा के हुणे जिहड़े चार करेट ने डिगे ने। पहलां वी करेट इदां बन के चार चार दे जोड़ियां च सुट्टे ने, सो उत्थे तक चल गए ने। जिहड़ा प्रशासन सीगा उहने 100 दिन दा टाइम दी गल कीती सी, क्यों भाई साहिब जी? हांजी, ते हुण किन्नवां दिन आपणा इह जिहड़ी सांडे जी आपणे 16वां दिन आ जी अज। हांजी, ते आपां किन्ना क आ गए उत्थों? आपां उत्थों लै के जी 600 फुट दे करीब जिहड़ा कढ लैंदा जी। हां, ते इहनां सासो योग ने इहनां दा तकरीबन 150 फुट जिहड़ा 100-150 फुट आए आ। ਬੀਜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ 19 ਦੇ ਹੜਤਾ ਤੇ ਐਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਐਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ? ਨਹੀਂ, ਐਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਤੀ ਪਾਣੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾ ਫੇਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾੜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 900-1000 ਮੀਟਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸੜਕ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਮੰਨਿਆ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ 20-25 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਡੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਓਵਰ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਮਿੱਟੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੂਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਇਹਦੀ ਡਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਲੋਰ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੰਘ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਢੀ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 19 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਸੀ, 5-5, 6-6 ਫੁੱਟ, ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਫ ਤੋੜਦੀ ਆ।
वो डाफ तोड़ दी हाँ वो पछाण मार दी आ हूँ बन जरा किसी खुड करके उल्टा ये ओवर हो गया उल्टा पानी धक्के ओवर हो गया पानी रात उपर वगदा रहा घंटा घंटा जो फिर पानी राह मिल जाता पानी तुम्हें पता इन्ना पानी तो वाढ़ ही लगा सो वड्डा कारण जिहड़ा आपां कहिंदे इहदा कारण लभ्या जावे बाबा जी कहिंदे द्वारा द्वारा बहुत औखा है मेहनत करनी बड़ी संगत दा बहुत पैसा लग रहा बहुत पावर लग रही है भी इह वार वार क्यों आउंदे आ इन्नी मिट्टी भी बंद ते पाइपों पाई होण दे बावजूद भी टुट गया सो इह चीज़ दा ध्यान सरकार नूं भी प्रशासन नूं देना चाहिए जिहड़ियां इहदियां डाफां आ जिथे जाके सानूं ब्लॉकेज लग रही आ उहनूं कढ देना चाहिए सो यह फर्क सेवा का सेवा भावना का दिहाड़ीदार का फर्क जो सामने ही दिखता पाया मैं लगता कि शायद दसवें सही हो उधर दसवें उधर होया कि बाकी सारा इधर हो गया जी नौ हिस्से संगत दे आ ते दसवें हिस्सा महा जिहड़ा वा ओ प्रशासन का समझ आ रही है इधर सेवा जा रही है सारी मोल मिट्टी टिप्पर भर गया सीधा ही अगे लिया के सुट पा रहे हां जी आप ट्रालियां दे नाल स्टेप बाय स्टेप तोरी जाने हां जी हां जी सो इस ढंग दे नाल सेवा जिहड़ी आ अज हो रही है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सो जिधर नाल नाल सेवा जिहड़ी चलती पई है कोई बनाना शेक नाल निहंग सिंह शरदाइयां घोटदे पए ने सो सेवा जिदा की तगड़ी सेवा उदा की यह भी सेवा नाल नाल चलती पई है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी सेवावां थोड़ी जानकारी दें ये शरदाई की ठंडे शरदाई की छपील लाई हुई है कि गुरु की संगत बेअंत गर्मी के आ के काम कर दी वा गुरु की संगत तो फिर असं सोचा भी धन बाबा सुखा सिंह बाबा अमताप सिंह जी की दल पंथ के वलों महापुरशों का हुक्म अनुसार गुरसर वाले महापुरशों के हुक्म अनुसार तो फिर असान के आख्या भी छपील ला के गुरु की संगत ने खुशियां तो लई है जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਯੂ ਐੱਸ ਏ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
एक जज्बा आ जाता कि हाँ असी सेवा से चले हैं। सो सेवा का जोड़ा प्रवाह गुरु नानक साहब जी ने जोड़ा किरत करो नाम जपो वंड छको का जोड़ा प्रवाह चलाया होया वो किसी भी दुख की घड़ी दे विच जो है कित भी मुसीबत पै जाए तो एक खुद मुख्तियारी जी आटोमैटिकली सेवा शुरू हो जाती है। हुण जिद्दन कित इतने हड़ आए से उदो किसी ने सदा नहीं सी दिता भी हाँ इतने लंगर दे चाहिए जा चाहिए जाओ चाहिए अपने आप ही वीर तुर पीया सन तो नालों नाल हुण आ देखो कितों कितों ये वीर ट्रालिया के उत्ते इदा हर ट्राली के उत्ते निशान साहब लगे हुए हैं तो दूरों दूरों मिट्टी दियाँ भर भर के आ रही ने। वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नवा शहर तो जी किनिया ट्रालिया आई छे ट्रालिया जी हाँ जी मिट्टी कितों लिया के आ रहे उत्थे टक लगा है जी हाँ जी कि दूरों दूरों सेवा जी है इदा ही ट्रालिया दरालिया जदा महाराज के निशान के हेठा से सेवा चलती पई है। ये सारे वीर सेवा लैके झूल ते निशान रहे पंथ महाराज के सो ये निशान जो झूल जाते हैं तो फिर सेवा चढ़ती कला च हो जाती। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी केड़े पिंड तो जी? असी नवा शहर नंगल जट्टा तो जी। हाँ जी ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਾਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉੜਾਪੜ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ 11 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਟਾ ਮੁੰਡੀ ਕਾਸੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਲੰਘਾਈ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਟਾ ਮੁੰਡੀ ਕਾਸੂ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਵਾਲਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? 19 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਝੋਨੇ ਝਾਨੇ ਮਰੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਐ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 19 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ 2-2-3-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਆਏ ਉਦਣ ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਣਗੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਤ ਬੋਰੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 19 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ 19 'ਚ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ
पानी अजे भी खड़ा ताडे आले दुआले सारी तो फसल तो थले फिर मर गई होनी फसल तो मर गई जी फसल तो पानी आउंदिया दूजे दिन ही मर गई हमें लगती एक दिन कमाद मर गए बाबा जी कमाद मर गए जो फसल मर गई सारी हाँ जी हाँ जी हुण तुसीं की सोचदे हो कि जे हुण जिद्दां बन्न एक दो दिनों तक बज जाना तो पानी जिहड़ा खड़ा वा खेतां दे विचों किद्दां उतरूगा ये तो बाबा जी चाहे कोई संस्था आए चाहे गौरमेंट कढ़े उन्होंने चाहे वढ़ के कढ़े चाहे कोई वरमे वरमे फिट करे किसी तरह जो कोई पराला करे तो हो सकता सारे एरिए दह पंद्रह पिंड की फसल बीजी जा सकती है तो पराले तो बिना जो पानी रह गया तो पानी बच्चे तो कणक नहीं जीरना इन्ना चार चार पांच पांच फुट पानी है कणक तक भी नहीं तुम उम्मीद दी नहीं उम्मीद जी अगे होंगी रही हटना इदा ही नीवे नुवे थान रह गए उच्चे थान जो चलो सुख जाने तो नीवे थान डुब जाते हैं हाँ जी हाँ जी चार क्यों पहला दड़ा मारिया एक दो किले वेले किए आपका जिदा आप मारी दा कुछ ना कुछ चल करिए ढेर लाता मुड़ के जेसीपी ने चुकाया कोई चक्कना दे गौरमेंट मुड़ के यदा परमिट लो जी दा करो वह साढ़ा 40-50 हज़ार रुपया लगा परमिट लैन का फिर इस भी फ्री वागू लोग ले गए बस चक के मुड़ के मशीन वाले जेसीपी हाँ जी तो उन्हें आपके पैसे वट ले हो चार ले जा रहे तो साढ़े को इदा भी संत हम सारा काम करे डाया डोया लोगों जिदा पिछले उदो उन्नी जाना स्टैडिया ही डाया भेजी ही बहुत हर एक बंद कणक बीजन डाया खाद तो बी एन किल्या पुरत सरक न मिले जिदा स्टैडी जैसा पता ही हर एक बंद का हों वा हरी बैली होंगी उस तो उन्हें उस हिसाब ना बोरा बोरा डाया का ब बी का बोरा बोरा तो इदा के उपराले करे कोशिश करके जिन्ना भी हो लगता जो हूँ तो रेता बहुत चढ़ गई है पिछले अपन देख डे कि खेतों के कई कई फुट रेता चढ़ी हुई है ठेकेदार पहन गए चौके कि सू तो पैसा वट नहीं देना भी रेता जे गई अह भी चुका देंगे गवर्नमेंट नहीं चकन देनी तुम पता ही हरा कहने कहना हम सा दरिया की सिटी याद अही चुकनी है हाँ जी हाँ जी नुकसान होना हड़ा नुकसान तो ज्यादा फसल तो नाले हुण एरके दे घर का भी होया वा क्योंकि काफ़ी मिट्टी भी गई आ घर च सफाई सफुई का भी बहुत औखा होया वा तो बाकी हुण देखो एक बार पैलियां खराब हो गया दूजे साल हो गया क्योंकि 19 तो थोड़ियां होया है पर एरकी तो ज़्यादा उम्मीद तो ज़्यादा टुट गई वा क्योंकि काफ़ी रोड रूड भी पे आ हुण देखो पता नहीं किन्ना टाइम लगू कोई पानी निकलन फिर पदरी करन फिर फसल में किन्ना टाइम लगेगा क्योंकि झोने तो ही आस होंगी है कणक तो चलो थोड़े बहुते पैसे मिलने होंगे झोने तो ज़्यादा पैसे बनते हैं चलो आ जोड़े व्याज व्यूज देना हों आड़ती को फड़े तड़े होंगे वो लाए जाते तो पर इदा के करजाई ची मरते जिमीदार सरकार भी आ जाती है वीडियो बना के पजामे दिखा जाती है कि मेरे पजामे आ देखो मैं घूम फिर के आया पर पजामे कल दिखाने का नहीं ना फायदा को करके दिखाने का फायदा क्योंकि हाँ अं तो यही चाहते हैं कि साडा जिदा पानी पूनी फसल बीजी जाए या बन बुनने जाए वधिया पक्के किते जाए जां कोई जिदा बीज बूज वास्ते कणक जां खाद खूद जिहड़ी देना चाहुंदे तो तुसीं उह सहायता कर दो सरदार साहब वड्डी गल आ वी साडे एरिया जिहड़ी मार पैंदी ना इहड़ा गिदड़ पिंड जिहड़ा पौलवा रेल दा उहदा करके कुछ ज्यादा मार पैंदी उह इक उहदा हल होवे इक दरिया दा हल होवे कोई दरिया खलाई होवे कोई मिट्टी बन्ना ते पै जावे उह दो दो चार चार फुट मिट्टी बन्ना ते पै जावे चक्के कोई गौरमेंट यहोजे उपराले करे तो फिर इस एरिए का बाजार नहीं तो कोई बाजार नहीं एडा चलो मान लेने एक साल कहते ना आऊ दूजे साल आजू क्योंकि तो वड्डा नहीं तो दरिया के बहुत रेता वा वो कढ़न नहीं दिंदी सरकार कोई भी कढ के लैके जाती है तुसीं लोहिया जाके दे सकते हैं उत्थे ट्रैक्टर बोंड किया हुंदा जां ट्रक बोंड किया हुंदा जिहड़ा फ्री दी रेता इत्थों कढ के लैके जांदा जां जिमीदारां नूं इजाजत दित्ती जावे कि तुसीं रेता जिन्नी कढ सकदे कढ के वेच दो क्योंकि जां सरकार तो कुछ करती नहीं पई तो वह दरिया उच्चे हो जाते हैं वह पानी फिर मार करते पे अपने फसलों जां नीवे पिंड बिल्कुल भाई साहब ये गल उ पट्टी भी असं गए उ भी जमींदार ने यही गल कही सी भी दरिया उच्चे ने तो साड़िया जमीन नीवियां ने तो जो पानी आना उन्हें पानी ने तो नुमान वालू चलना सो ये एक बड़ी वड्डी समस्या सारे इस इलाके की बाकी है आप हुण वीर नाल गल की है तो झोने वाली फसल तो यह कह भी हुण भोली जाइए
देखो जी एक तो सीजन ही लंघ गया हूँ झोने का, झोने नॉर्मली जून के लाते होंगे तो हूँ तो आप जुलाई के एंड अगस्त में आ गए हूँ तो सो झोना तो बहुत लेट हो गया हूँ। कणक की भी ये कह रहे हैं उम्मीद नहीं है कि पता पानी का पता नहीं किन्ने चेर बाद सुकूगा। सो इन्होंने बेचारे के दो सीजन एक किस्म के मर चले है, एक मेन सीजन झोने का सी मूहे कणक की कोई आस है नहीं हले भी। सो बड़ी मुश्किल के लंघ रहे है, तो आपको पता आमदन तो बगैर गुजारा करना बड़ा औखा आ, तो परिवार पालने और अपने जिन्हें घर का नुकसान हो चुका है वो किदा उन्होंने रिपेयर करूंगे किदा, जब आमदन कोई है नहीं इनकम कोई है नहीं हैगी। सो बड़ी औखी घड़ी के लंघ रहे है, तो इन सारे की जिदा भी कोई सहायता कर सकता है, बड़े बड़िया सोसायटियाँ इतने हैगियाँ सोसायटियाँ सहायता करने के लिए भी, तो इस तरह संगत टैलीविजन संगत एड भी ए कर रहा हैगा आ जिथे जिनी भी कोई सेवा कर सकता हैगा आ लोड़ अनुसार, तो वो आप भी करा पर इन्होंने भरावान का हाथ फड़ना जरूरी आ जो इस वे मुश्किल की घड़ी में लंघ रहे हैं। एक मेरे होर हमने साड़ी गल सुनद सुनद दिमाग च आई, एक बड़ा एक जरूरी खर्चा हों बच्चों दीसा का, हूँ बच्चों ने तो स्कूल स्काल जान लग पे होने बच्चे बाबा जी स्कूल जान लग पे जिते हम बसा आदि कई पिंडी हजे रुकावट आ नहीं भी आदियाँ, तो इन दिन बच्चों दिया साल साल दिया कोई फीसा माफ़ होन, कोई उन्होंने किताबा मिलन, कोई वर्दी मिल जाए कि झोला मिल जाए, चलो न्याणा पढ़ जू किसी का गरीब का भी कोई तकड़ा तो पढ़ा रू, हम बाड़े को थोड़ा पढ़ा होंगे एरिए को पढ़ा ही नहीं होने किसी को भी न्याणा, हम पहली गल महीना महीना बाबा जी उदा ही खराब हो गया है, कोई यहोजा उदम कर। ये उद्यम उपरला जे ये कोई सहयोग किया जाए कि इन एरिया के बच्चों दियाँ कुछ जो आप स्कूल फीस जा कोई बिल्कुल बिल्कुल भी आप भी कोशिश करांगे संगत एजुकेशन वालों जो कुछ हो सकता हो तो आप जरूर करांगे, तो आप देखांगे किस तरह बच्चे है कि इफेक्ट पै रहा है उन्होंने परिवारों के उत्ते, तो जो सर्वे की जाऊगी वो अनुसार फिर लोड़ अनुसार सेवा की जाऊगी। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 7-7 8-8 ਫੁੱਟ ਆਪਣੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਲਏ ਚੰਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਨ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਡਰੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਮੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਪੈਲੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, तेल का डीजल का खर्चा तुम पता तेल का महंगा किन्ना किन्ना खर्चा वा, वो लाना कितों आ हूँ तो आड़ती है उन्हें भी जो फसल हो आड़ती है पैसे दे देता, नहीं तो आड़ती ने भी नहीं पुछना उन्हें कहना पहला दसो फसल हैगी है कि नहीं, तो चलो डीजल वगैरह इदा सारे योजे उपराले किए जा फिर ता जो अं कणक बीज सकी, क्योंकि मंगना तो महसूस होर तरह हों, पर जे अं यही कहने कि संगत सानू अपने जमीन जोगे कर दे फसल बीज लीए सू इन्ना बहुत आ। दरिया तो आ हूँ झोन छड़ते पेल्ला हूँ बजुर्ग दसते ही वो केंद्र कि पेल्ला जो कणक भी बीजनिया ज कि भी पानी चलता रहा ही, ये सरकार रेता वेचन का करके पानी जमा कर रख दियाँ, तो जदों पता कि हाँ भी सिर तो पानी लंघ गया फिर पानी छड़ दें, जे पेल्ला पानी थोड़ा थोड़ा कढ़ते रहन तो यहोजे जो नुकसान होंगे जहाँ हाड़ा वाला इलाके इदा बनता हाड़ा आता वा योजी कदम प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो सवेरे तड़के ही 5 या 6 बजे वेख्या वा दरिया एन सुक्का, तो शाम के 5:30 बजे साढ़े घर 11-11 फुट पानी आ गया, देखो इन्नी 12 घंटे हाँ जी इन्नी क फास्ट आया, बन उच्चे भी नहीं देखा उपर द करोस किया सीधा उछल के टुटा, हाँ जी क्योंकि पुल मारदा पिया वा जिहड़ा तुसीं गिद्दड़ पिंडी वाल जाके देख सकते हो, जिहड़ा पुल है ना वो काफ़ी नीवा वा ट्रेन वाला, तो वह करके उसके थले बूटी अड़ जाती तो पानी भी नहीं करोस होंदा, हर बार इधर नुकसान होता पानी डाफ लग जानी है तो पानी इधर हो पैना, अगे दरिया खाली हों मगर जल थल हो जाती है, मैनेजमेंट जी पानी की वह सही ना होने करके सारी हालात बने हुए ने। सो ये सारी पोजिशन थोड़े तो सामने आ, क्योंकि सरकार जड़िया ने वह तो हम जो कर रही अपन दिखता ही है सारे पास कि गल्ला ज़्यादा ने तो कम घट है, तो जे कुछ कम करके दिखाएंगे तो मैं समझा लोगों का विश्वास जितया जाएगा। सो हाँ जी कि कोई भी वीर भैन भरा सहायता करना चाहता वा, एक तो राह च कि भी जिदा आप किसी को पुछते हैं पूछने की लड़ नहीं, सीधा आ पिंड लॉसमेंट कराओ तो कले कले वीर के किन्ने खेत की नुकसान होया उन्हों उस अकॉर्डिंग पैसे दिते जाए, क्योंकि मैं वेख्या वा अं हम भावें उतों ही बैठे हाँ कोई भी ऐड वाले होंगे ज कुछ भी आता वा
कई पता ही नहीं होंगे कि पासे पास पैसे वंड के चल जाते तो वो कई वीर उधर उधर रह जाते हैं क्योंकि पिछली बार भी पैसे वंडे गए साडे तक कि कई वीर तक पहुँचे भी नहीं आ तो कई वीर को बहुत पैसे पहुँच भी गए क्योंकि जे पैसे वंडने ना हर एक घर च जाओ हर एक बंदे का एड्रैस लो तो पैसे उन्हों कोल दे के आओ क्योंकि ज गुड गुरद्वारे लोसमेंट कर लो क्योंकि बेनीफिट तो ता होगा सेवा वंडनी जी बड़ी एक वड्डी जिम्मेवारी है असं भी उस जिम्मेवारी के हिस्से के तौर पर ही सारा जो सर्वे करते बस पाने पहुँचते हैं असं देखते हैं सारा जड़ी गल् करते पे इस वास्ते ही असी पहला जाके पिंडो पिंडी ये गल जानकारी लै रहे हैं भी किदा किदा कि परिवार जोड़े ने कितनी लोड़ है किस हिसाब न आप सेवा वंडनी है सो जी सेवा भाई साहब जी हुण संगत दे रही ने जीती हुई है वो वास्ते ही मैं समझदा आप जो सारा सर्वे कर देते हैं बिल्कुल जी जो संगत ने अपना दसवंध दिता है तो असं ये सर्वे राही यही जानना चाहते हैं कि कौन लोड़वंद हैगा आ क्योंकि कई परिवार है वो तो आप ही कह रहे हैं भी सानू नहीं किसी चीज़ की लोड़ साढ़े गुरु की बहुत कृपा हैगी और कई लोड़वंद भी है वीर जिन्होंने जरूरी लोड़ आ सो आप यही जानकारी लै रहे हैं भी जोड़े लोड़वंद उन्हों तक सेवा पहुँची जाए सो जो आप हूँ सर्वे कर रहे हैं पिंड पिंड जाके तो क्योंकि जिन्होंने दसवंध दिता है वह भी उन्होंने भी यही इच्छा होंगी है भी लोड़वंद के दिखती जा सही जगह लगे जाके सो ये आप हम सारा कुछ कर रहे हैं कुछ टाइम लगेगा इनू करन दे लई ते फिर जो भी सेवा होगी वह पहुँचाई जाऊगी जे आगू मोह दुबारा दो चार आप पुछते हैं उन्हें आ कर देना उन्होंने मसला होंगे वोटा का है वह भी बच्चे पिंडा जो आगू भी वितकरा कर जाते हैं हम मैं पुछ लो तुम दस पिंडा मैं तुम दस दूँ कला ही भी इस बंद इस चीज़ की लड़ है इन नहीं लड़ भी यदा चलता कम सारा कुछ है इनू जो हम कई बंद इदा है मुआवजा ना गौरमेंट का भी कोई गल नहीं उन्होंने की प्रभाव आ जिदा मेरा ही कोई न्याणा मान लो गल 5 लाख कमा दिया 4 लाख कमा दिया कहीं बैठा तो मैंने पता अज ही आ जाना मैं हम महीना हो गया 5 लाख होने ही आ जाना इस महीने जी पानी जी तो मेरी जो फसल मर भी गई हो 2 लाख की 4 लाख की 5 लाख की मैंने की हो दिया क्यों आगू भी असल तो जरा नहीं पिंड का कोई कमला जहा बंदा है उन्होंने नाल लैन दस सकता सारा कुछ सच तो दूजे ने झूठ ही मारना सारा किसी को मरवाई जो इस पिंड की पंचायत को मरवा लो परले पिंड की मरवा पंचायत को मरवा लो उस पिंड की पंचायत को मरवा लो उन्हें कोई सजा ही नहीं दसनी आ कि पास्यो वो कहता कि सानू किसी चीज़ की लोड़ नहीं पर जोड़े आप तो नीवे आ लैवल से उन्होंने तो वेखना चाहिए ना हूँ मेरे को आँदे होने मैं पता कि मेरा सरदा वा तो मैं ना लव जी आप आओ वादा फर्ज है कि हाँ भी मैं को सारा कुछ मिलता महाराज ने दिता वा मेरे बहर अंदर गए बहरों आते तो मैं ना लव पर दूजे जोड़े है जिन्हों को सिर्फ फसल से ही आ सारा कुछ आसा तो उन्होंने वास्ते वेखना चाहिए ना नाल जी बिल्कुल ये सारा कुछ इस वास्ते असी लगे हुए हैं जी ताकि सही सेवा जी लोड़वंद परिवार तक पहुँच सके दी सेवा भी सफली हो सेवा भी सफली होए सो इदा आप उदम उपराला करके इन्हों दुख की घड़ी शरीक हो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।